अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल, एथाइल अल्कोहल आर CH3CH2OH फ्रॉम मोलेसेस एंड स्टार्च, फ्रॉम मोलेसेस एंड स्टील स्टार्च। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं ग्रीन अल्कोहल, और इसी को ही एक और नाम देते हैं स्पिरिट अल्कोहल, स्पिरिट अल्कोहल, क्योंकि हम इसे बनाएंगे स्टार्च, स्टार्च ग्रीनी कलर, इसलिए नाम क्या दिया ग्रीन अल्कोहल आर स्पिरिट अल्कोहल का। मोलेसेस एक्चुअली क्या होता है, रेजिड्यू होता है, बच्चा खुचा माल होता है, भैगस होता है किसका, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस बनाते हैं उसका रेजिड्यू जो है उसे बोलते हैं क्या, मोलेसेस। फिर इसी रेजिड्यू की, मोलेसेस की जब हम करवाते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जो आएंगे यीस्ट से, तो हमें मिलेगा क्या, इथाइल अल्कोहल। ये है हमारा मोलेसेस C12H22O11 मोलेसेस। और मोलेसेस जो है ये हमारा क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए हमें इससे डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट क्यों करना है, क्योंकि एंजाइम अपना बेस्ट एंड एफिशिएंट फंक्शन दिखाते हैं अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। इसके पास 60% फर्मेंटेड अल्कोहल है मोलेसेस में, और 8-10% इसमें क्या है, शुगर मोलेसेस में। अभी एंजाइम आएगा हमारा इनवर्टेस, कहां से आएगा, एक फंजाई जिसका नाम यीस्ट, इसी का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, और यहां हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा C6H12O6 और दूसरा हमारा बनेगा C6H12O6। एक को हम नाम देंगे क्या, ग्लूकोज का, और दूसरे को हम नाम देंगे क्या, फ्रक्टोज का। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट होगा, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होगा, इसलिए इसे एल्टो शुगर का नाम देते हैं और इसे कीटो शुगर का नाम देते हैं। अभी इसकी नेक्स्ट क्या होने वाली है, डीकार्बोक्सिलेशन C6H12O6, नाम क्या है, ग्लूकोज। और इसके लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट इज ज़ाइमेस। ज़ाइमेस क्या है आपका, एंजाइम यीस्ट से आएगा और बनेगा क्या हमारा, एक इथाइल अल्कोहल और एथानोल, और सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहां भी टू लगाना पड़ेगा और यहां भी टू लगाना पड़ेगा, और यही हमारा क्या था टारगेट, इथाइल अल्कोहल एथानोल ग्रीन अल्कोहल आर सिप्रेट। और ये हमने मोलेसेस से इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च हमारा पोटैटो, बार्ले और मेस, इनमें पाया जाता है स्टार्च ग्रीनिश कलर का। इसका फॉर्मूला हमारे पास C6H10O5, और N मॉलिक्यूल्स लेंगे साथ में लगाएंगे क्या, 2। पहले स्टेप में इसकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस, और इधर क्या लगाएंगे N, यहां भी N है तो यहां भी N, और एंजाइम हम यूज करेंगे कौन सा, डायस्टेज। डायस्टेज फर्स्ट एंजाइम है जो पहले सबसे डिस्कवर हुआ था, कहां से आएगा, यीस्ट से आएगा, इसकी होगी हाइड्रोलाइसिस, वाटर की प्रेजेंस में होगी बॉन्ड की ब्रेकेज, और हमारा बनेगा क्या, माल्टोज। माल्टोज C12H22O11, यहां भी N है तो यहां भी N, नाम क्या है, माल्टोज। माल्टोज और मोलेसेस का फार्मूला एक ही है बट डिफरेंस ये है, मोलेसेस में होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के बनने से, मिलने से बनेगा, और आपका जो माल्टोज है इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलने से बनेगा।
अभी माल्टोज की सेकेंड स्टेप में हमने क्या करवानी है, फर्मेंटेशन, C12H22O11 अब होगी इसकी क्या फर्मेंटेशन। और आपको पता है एंजाइम अपना बेस्ट और एफिशिएंट फंक्शन दिखाता है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसको पहले ही डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे इसमें, वाटर डालेंगे, और ये हमारा क्या है माल्टोज। और यहां जो आपका एंजाइम आएगा दैट इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट माल्टेज, माल्टेज एंजाइम, और ये है फर्मेंटेशन, यहां क्या हुई थी हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, नाम क्या है ग्लूकोज। नेक्स्ट फिर अगेन इसकी क्या होगी डीकार्बोक्सिलेशन, C6H12O6, यहां हमारा कौन सा एंजाइम आएगा जाइमेस, और ये एंजाइम भी कहां से आएगा यीस्ट से, ये एंजाइम भी कहां से आएगा यीस्ट, एक फंगस वहां से आएगा, तो यहां हमारा क्या बनेगा C2H5OH प्लस हमारा क्या बनेगा CO2, क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो ये लगाना पड़ेगा। अभी दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथानोल, ग्रीन अल्कोहल, स्पिरिट अल्कोहल, और इस प्रोसेस से हमें ओनली 12-14% प्योर अल्कोहल मिलती है एथानोल, और इसमें ऑलमोस्ट 86% क्या होता है वाटर होता है। फिर हम इसको करते हैं डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन, ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है वैपोरेट, मॉइस्चर इसमें कम हो जाती है, तो कितने परसेंट हो जाती है डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन करने से 95% प्योर, जिसे आप लोग क्या नाम देंगे रेक्टिफाइड सिप्रेट का, रेक्टिफाइड अल्कोहल और रेक्टिफाइड सिप्रेट का नाम देंगे। फिर हम चाहते हैं 100% प्योर इथाइल अल्कोहल हो, तो हम इसे फिर क्या करेंगे रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सारी नमी को मॉइस्चर को करेगा एब्जॉर्ब, और प्योर 100% ऑलमोस्ट हमें क्या मिलेगी इथाइल अल्कोहल और एथानोल, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल का। और ये था फ्रॉम स्टार्च, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल का डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।